चैनल इंडियन ड्रीम्स में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं कीवी प्रूनिंग के बारे में। और ये हमारा कीवी का बगीचा है, इसको लगाए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और इस साल उम्मीद है कि इस बार जब मौसम आएगा गर्मियों का तो इसमें नए फूल लगेंगे और इस बार फल लगेंगे इसमें ज़रूर। शायद हो सकता है इस बार सैंपल आ जाएगा इसमें। तो आज हम देखेंगे कि क्योंकि कीवी को हर साल प्रून करना बहुत ज़रूरी है, तो आज हम ये देखेंगे कि कीवी को किस तरह से प्रून किया जाता है और कैसे जो है वो इसको प्रॉपरली इसको शेप दी जा सकती है ताकि ये बहुत ज़्यादा उलझे नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कीवी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है, बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है और फिर अगर इसको संभाला ना जाए तो ये इतना उलझ जाता है कि आप इसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी मैंने पिछला वीडियो था उसमें मेल और फीमेल प्लांट्स के बार को कैसे पहचाना जाए वो बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये फीमेल प्लांट है, ये जो आपके सामने यहाँ पे है, इसको सपोर्ट दिया है देखो ये हमने। और ये यहाँ पे जो है ये मेल प्लांट है और आप देख रहे हैं कि मेल प्लांट की ग्रोथ जो है वो फीमेल प्लांट से ज़्यादा है। ये हमेशा होता है क्योंकि मेल प्लांट को जो है वो कोई भी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करना होता है तो सारे जो उसकी ग्रोथ है वो उसके अपने डेवलपमेंट में लगती है। तो इसलिए जो है ये मेल प्लांट जो है आपको थोड़ा सा थिक और हैवी दिखेगा और उसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होगी। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेल प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार फीमेल प्लांट्स के पत्ते भी बड़े और चौड़े होते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रोथ ले रहा है। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने कीवी प्लांट को प्रून करना है और कौन से पौधों में जो है वो कौन सी जो इसकी टहनियाँ हैं उसमें फ्रूट लगेगा और कौन से में नहीं लगेगा, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं। ये जो है ये पौधा आप देखते हैं यहाँ से निकला है और ये जो है यहाँ से हमने इसको बाइफ्रेटेट किया है, एक उस तरफ को जा रही है ये वाली टहनी है और दूसरी ये वाली टहनी है जो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ रही है, ये जो मेन टहनी है देख रही है इसमें से, और इसमें से टहनी आगे निकल रही है इस तरह से। तो आप देखते हैं आगे आगे ये टहनी जो है यहाँ पर आके मोड़ ले रही है, तो यहाँ पर आप इसको काट देंगे। अब ये फर्स्ट टाइम जो है हम इसको दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये देख रहे हैं यहाँ पर आप इसमें बर्ड्स हैं, ये टहनी 1 साल पुरानी है, पिछले साल जो है इसने ग्रोथ लिए यहाँ पे, तो इस बार जो है इन बड्स से जो है नई शाखाएं आएगी और उसी में ही फ्रूट लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो पुरानी बहुत पुरानी टहनी है उसमें जो है वो फ्रूट नहीं लगता है, वो किसी भी दाम की नहीं होती है, तो जो नई टहनी इसमें फ्रूट लगता है तो इसी को ही आपको मेंटेन करना है। अब ये हमारी जो मेन टहनी है यहाँ से ही आ गई, टहनी में से आप देख रहे हैं कुछ और टहनी आगे निकल रही है, ये देख रहे हैं। तो ये टहनियाँ जो है इनको आगे ये आपका फ्रूट बेरिंग जो है ये प्लांट यहाँ पे हो जाएगी इस तरह से, जो एक्स्ट्रा टहनियाँ उनको आगे इन टहनियों में आप देख रहे हैं यहाँ पे उनको बांध देंगे बाद में। और इस बार जो आपकी टहनी आएगी, जो टहनी आएंगी वो इसमें से ही निकलेंगी बाहर, तो आपको इसको मेंटेन करके रखना है हर साल के लिए और इसी में से ही नई टहनियाँ जो आएंगी उन्हीं को आपने कंट्रोल करना है, उन्हीं को ही काटना है, उन्हीं को प्रून करना है। ये हमारी एक बेसिक टहनी होती है जो स्टार्टिंग से जहाँ से शुरू होगी फिर इसी में से ही नई टहनियाँ आपको आगे निकलेंगी। यहाँ से कहाँ काटना है ये भी ध्यान दें आप, कि कोशिश करें कि जो आपके बर्ड्स हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं आप बर्ड्स 1 2 3 4 5, तो लगभग 5 जो बर्ड्स हैं उसके बाद आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे तो फिर उसमें फ्रूट्स ज़्यादा लगेगा और फिर उसमें जो फ्रूट को आपका साइज़ बनने में दिक्कत होगी। इतना ही इसको रखें जितना जो है वो पौधा ग्रो कर सके, नए पौधे हैं इनमें इतनी ज़्यादा अभी जड़ें इतनी ज़्यादा भी नहीं फैली होती हैं कि ये प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकें, तो ये एक इसी में से हमने एक
टहन चलाए थे, ये यहाँ आप देख रहे हैं ये टहनी बीच में एक और आ रही है, ये इसके साथ जो दूसरा प्लांट है यहाँ से, ये भी फीमेल प्लांट है और इसमें फ्रूट्स लगेंगे इस बार। आपको जो है ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है क्योंकि आप देखते हैं कि ज़्यादा लंबा होने के बाद जो है आगे प्लांट की जो साइज है जो टहनी का वो छोटा होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करना है क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए ये हमारे पास मुश्किल नहीं है अगर आप उसको शुरू से प्रॉपरली प्रून करते हैं और ध्यान रखते हैं उसका, तो कीवी की प्रूनिंग करने में कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और नए बर्ड्स को आपने कैसे रखना है और नई टहनियों को उसकी देख रेख कैसे करनी है ये भी आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारा चैनल क्लिक करिए और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार वीडियोज़ जो हैं वो आपको देखने को मिले। यहाँ भी आपको देखने में आएगा कि ये जो मेल पौधा है इसकी पोजीशन इस तरह से है कि इसके सराउंडिंग में ये यहाँ पे ये फीमेल पौधा है, उधर फीमेल पौधा है, ये फीमेल पौधा है, ये फीमेल पौधा है, इधर ये फीमेल पौधा है और ये दोनों भी फीमेल पौधे हैं यहाँ पे। तो आपको इस तरह से मेल पौधे को, क्योंकि मेल पौधे में कोई फ्रूट नहीं लगता है, तो आपको मेल पौधे को इस तरह से प्रून करना है कि उसकी शाखाएं जो है वो चारों तरफ को निकलें ताकि प्रॉपर फ्लावरिंग हो उसमें और पोलिनेशन हो सके, ताकि हर पौधे में इक्वल फ्रूट्स लगे। क्योंकि अगर पौधा एक तरफ को बढ़ेगा तो फ्रूट्स तो लगेंगे, ऐसा नहीं है, पोलिनेशन हो जाती है लेकिन कम भी हो सकती है, कि हो सकता है कि पोलिनेशन प्रॉपर ना हो और फ्रूट्स कम लगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जैसे ये पौधा है अभी यहाँ से इस तरह से एक तरफ ही बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने इसमें से ये दो शाखाएं रहने दी हैं जो लंबी ऊपर गई हैं पेड़ तक, इसको जो है हम यहाँ से बढ़ाएंगे और इसको इस तरफ को कर देंगे ताकि ये यहाँ पे इन पौधों के लिए काम आ सके। अब यहाँ देखिए ये पौधा यहाँ से ये हमने एक शाखा यहाँ से निकाली है इसको और ये यहाँ आ रही है इस तरफ का एरिया ये कवर कर देगी। दूसरी जो ब्रांच है ये वाली ये सब जा रही है आगे, ये इस तरफ वाले पौधों को कवर करेगी, तो अब परिवर्तन उस तरफ वाले पौधे ये वाले इस तरफ, तो इनके लिए हम इसको जो है आगे से काटेंगे और इस तरफ को घुमाएंगे ताकि इसमें जो फ्रूट आएगा वो पॉलिनेशन के काम इस तरफ आ जाए। कीवी प्रूनिंग को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये कीवी का बूटा है और यहाँ पर ये जो है वो आपने कीवी के लिए जाल बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन ब्रांच है वहाँ से आप दो ब्रांचेस जो हैं वो
जो मेन ब्रांचेस की ही पार्ट होंगी दोनों तरफ की ओर जो है वो आप बढ़ा देंगे, और इससे होगा क्या कि ये ब्रांच जो है आपकी मेन ब्रांच बन जाएगी और थिक हो जाएगी प्रॉपर। फिर आप इस ब्रांच में से निकलने वाली ये जो सब ब्रांचेस हैं इनको आपको हर साल मेंटेन करना है। तो जैसे ये ब्रांच निकलेगी आप इसको यहाँ टैग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको रस्सी से पतली रस्सी से बांध सकते हैं या फिर केबल टाई से भी बांध सकते हैं, और इन ब्रांचेस में जो है वो फ्रूट लगेगा नेक्स्ट ईयर। तो जब आप इसको इस बार मेंटेन करेंगे प्रॉपरली प्रून कर लेंगे तो उसके बाद अपने साइज में फ्रूट लगेगा, उसके बाद ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप इसको यहाँ से काट देंगे इन ब्रांचेस को, और उसी साल जो है वो साथ के साथ नई ब्रांचेज इस मेन ब्रांच में से आएगी, तो इस तरह से फिर आप उनको बांध देंगे और अगले साल फिर उन ब्रांचेज में से आपको फ्रूट मिलेगा। तो आपको अगर आप स्टार्टिंग में इस मेन ब्रांच को प्रॉपरली मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद जो आप इसमें से सब ब्रांचेज हैं उन्हीं को ही आपको हर साल जो है वो मेंटेन करना है, क्योंकि कीवी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है ये आप सभी जानते हैं। तो ब्रांचेज जो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन आपको अपने जाल के हिसाब से उसको कट करके, और ये ध्यान रखना है कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच की दूरी कम से कम एक फुट के आसपास जरूर हो, ताकि पौधे को अच्छे से बढ़ने का और फूलों को जो है पॉलिनेशन का मौका मिल सके, क्योंकि पत्ते भी काफ़ी बड़े होते हैं कीवी के, तो पूरी तरह से ढक देगा इसको भरना। तो इस तरह से जो है वो आप कीवी को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं, और जो है वो इस तरह से हर साल जो है अपने जाल को अच्छे से मेंटेन करके लंबे समय तक जो है वो कीवी बैग की पैदावार ले सकते हैं। ये जो मेन ब्रांच यहाँ से गई है, और यहाँ पे दो ब्रांचेस मेरे की ही आएंगी, यहाँ से जो मेन ब्रांच रहेगी। तो इस तरह से पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इस पर बात करते हैं फीमेल फैलाएंगे अच्छी तरह से, ताकि जो है इसमें अच्छे से फ्रूट लग सके। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन ड्रीम्स को, और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।